हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, क्लास 8, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फूल, यानी कि सूक्ष्म जीव, मित्र और दुश्मन। तो व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। यानी ऐसे सूक्ष्म जीव या ऐसे जीव हमारे आसपास रहते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आईज या साधारण आँखों से नहीं देख सकते। बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी विथ नॉर्मल आईज, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे आसपास जितने पानी है, मिट्टी है, हवा है, हर तरफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उपस्थित होते हैं। ये मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स हर जगह उपस्थित होते हैं, सूक्ष्म जीव हर जगह होते हैं। वाटर एंड सोइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्टिविटी ये कर सकते हैं कि हम कोई भी पानी को लेकर उसमें माइक्रोस्कोप, पानी की बूंद को स्लाइड पर रखकर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमें नजर आएंगे जो कि हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रो और स्कोप से ही उसको देख सकते हैं, चलते हुए नजर आएंगे। देर तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। तो इसके प्रकार के अनु देखें तो ये 4 बड़े प्रकारों में बांट सकते हैं इसको। नंबर 1 बैक्टीरिया, 2 फंजाई, 3 प्रोटोजोआ, 4 एल्गी। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, इनके अलावा वायरस भी माइक्रोब्स में आते हैं। कुछ साइंटिस्ट वायरस को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्चुअल में वायरस क्या है? व्हाट इज वायरसेस? वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। यानी ये जीवित कोशिकाओं के अंदर ही वृद्धि कर सकते हैं, जीवित कोशिकाओं के बाहर ये निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं। सो व्हाट इज वायरसेस? आई रिपीट डेफिनेशन ऑफ वायरस फॉर यू। वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी बैक्टीरियम, प्लांट्स और एनिमल्स। व्हाट इज द कॉमन डिजीज ऑकर्ड फ्रॉम वायरस? यानी वायरस से कौन कौन से सामान्य रोग होते हैं? देखो क्या क्या होते हैं, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मोस्ट कफ, यानी हमारी जो खांसी होती है वो अधिकतर वायरसेस के कारण, कॉज्ड बाय वायरसेस। सीरियस डिजीज भी होती है जैसे एड्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, आल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस। अब आपके सामने क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि भाई ये रहते कहाँ हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव? तो दे लिव एवरीवेयर, दे लिव फ्रीली लाइक अमीबा एंड लिव इन ग्रुप्स लाइक एल्गी, बैक्टीरिया। यानी ये हर जगह रहते हैं। दे लिव फ्रीली लाइक अमीबा, वे अमीबा, अमीबा का चित्र देखिए 2.3 आपके सामने है। अमीबा की तरह फ्रीली यानी आराम से मुक्त अवस्था में भी रह सकते हैं और समूह बनाकर भी रह सकते हैं जैसे एल्गी, फंजाई। एल्गी का चित्र देखिए, डायग्राम है 2.2, क्लेमाइडोमोनास स्पायरोगायरा, ये 2 एल्गी के उदाहरण हैं। बैक्टीरिया भी ग्रुप्स में रहता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म,
और कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं जो दूसरे जीवों के ऊपर विकसित होते हैं, लाइक वायरसेस बैक्टीरिया। अब जैसा कि चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फ्यू, तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगला टॉपिक लेते हैं। क्या होता है फ्रेंडली ऑर्गेनिज्म? देखिए, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस, यानी हमारे लिए प्लांट्स के लिए कुछ सूक्ष्म जीव बहुत ही लाभदायक होते हैं। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर कर्ड, ब्रेड एंड केक। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस, यानी कई सालों से एल्कोहल निर्माण में भी सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स की आवश्यकता होती है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप फॉर एनवायरमेंट, यानी कि वो वातावरण को साफ रखने में भी सफल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स यानी सब्जियों के छिलके, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसिस ईटीसी यानी जो अपशिष्ट पदार्थ सजीवों के द्वारा निकलते हैं, उनको छोटे छोटे सरलतम अणुओं में ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, यानी जीवाणुओं के द्वारा उनको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे भागों में। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, यानी आपको पता ही है बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं से दवाइयाँ भी बनाई जाती है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, और एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन अपन ने पहला पार्ट पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा मैन्यूअर तैयार और फर्टिलाइजर्स, तो मैन्यूअर में यानी खाद निर्माण में सबसे प्रमुख हाथ किसका होता है? मैन्यूअर निर्माण में सबसे स्पेशल हैंड होता है जो होता है किसका होता है? सूक्ष्म जीवों का, माइक्रोब्स का होता है सोइल फर्टिलिटी में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, हम सब ने सुना है, हमने देखा भी है कि हमारी माताएं बहनें घर पे रात को जब गर्म दूध होता है उसमें कुछ दही का या दही का कुछ अंश डाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? जावण बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। उसको डालकर अगले दिन क्या होता है, दूध किस में बदल जाता है? कर्ड में बदल जाता है। यानी कि क्यों बदलता है? क्योंकि कर्ड में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशल बैक्टीरिया जिनका नाम होता है लैक्टोबैसिलस, वो क्या करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाने के बाद में एक एसिड का निर्माण करते हैं, लैक्टिक एसिड। उस लैक्टिक एसिड से दूध किस में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेकिंग ऑफ चीज, यानी चीज़ को बनाने में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। पिकल्स यानी अचार एंड मेनी अदर फूड आइटम भी बैक्टीरियाओं से या सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट और रवा, सूजी बोलते हैं ना, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड, तो उनमें भी कर्ड डलता है यानी सूक्ष्म जीवों के कारण वो भोजन तैयार होता है। कैन यू गेस व्हाई? बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। तो इम्पोर्टेंट लाइन इज बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस एंड इडली, यानी फर्मेंटेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2.3 क्या कहती है कि हम मैदा या आटा लेंगे, उसमें थोड़ी शुगर और थोड़ा गुनगुना पानी मिलाएंगे, एंड इस एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ यीस्ट पाउडर, उसमें थोड़ा सा चुटकी भर यीस्ट पाउडर मिलाएंगे और उसको रख देंगे। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, वो जो आटे गूथा हुआ आटा है वो फूल कर बड़ा आकार का हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि यीस्ट कोशिकाएं क्या करती है, उसमें श्वसन करती है, अपनी संख्याएँ बढ़ाती है, संख्या बढ़ाने के बाद में
कार्बन डाइऑक्साइड से वो पूरा आटा फूल जाता है। तो बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नंबर टू, बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ गैस फिल द डॉफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। दिस इज द बेसिस ऑफ यूजफुल यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स। हमने केक, पेस्ट्रीज, ब्रेड सब खाए हुए हैं। तो केक फूला हुआ क्यों रहता है? क्योंकि उसमें किण्वन यानी फर्मेंटेशन के कारण वो केक या मैदा या आटा जो केक का बेस है वो फूल जाता है इन सूक्ष्म जीवों माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। यीस्ट इज यूज फॉर मेकिंग एल्कोहल एंड वाइन। अब आई थिंक आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि वॉट इज फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। लुईस पाश्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857 में। यानी लुई पाश्चर ने इनकी खोज की थी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन। The process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Louis Pasteur discovered fermentation in 1857. Medicinal use of microorganism, यानी दवाइयों के रूप में सूक्ष्म जीवों का कैसे उपयोग होते हैं। Antibiotics का नाम सुना आप? जब हम कभी बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें दवाइयों के रूप में एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिन्हें लेकर हम क्या करते हैं? हम सही हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर मेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक्स किसकी कौन सा था? पेनिसिलिन, जिसकी खोज किसने की? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन इन 1929। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ ए लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इन फैक्ट इट आल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड। इस प्रकार उन्होंने खोज की। वैक्सीन आर मेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी जो टीके लगते हैं ना, वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन, न्यूमोकोकस वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन, जो गवर्नमेंट के द्वारा छोटे बच्चों को 4 साल 5 साल तक के बच्चों को निशुल्क या पेड या विदाउट पेड हॉस्पिटल में लगते हैं। आपने भी लगे होंगे, हमारे भी लगे होंगे छोटे होते तब। तो वैक्सीन तैयार किससे की हो जाती है? वैक्सीन भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही तैयार की जाती है। वैक्सीन आर मेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। व्हेन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। यानी जब कोई छोटे सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमारे शरीर में एक विशेषता होती है हमारे ब्लड में। वो ब्लड क्या करता है? उन सूक्ष्म जीवों, उन माइक्रोब्स के खिलाफ सोल्जर खड़ा करते हैं, जिनको बोलते हैं एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब। और एक बार जब
एंटीबॉडी तैयार हो जाती है किसी विशेष सूक्ष्म जीव या विशेष स्पेशल माइक्रोब्स के लिए, तो वो हमेशा उसकी याददाश्त हमारे शरीर में रहेगी, यानी कि वो इन फ्यूचर सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर्ड आवर बॉडी देन वो एंटीबॉडीज प्लेइंग हिज वर्क. इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इन टू हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाई प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज. द एंटीबॉडी रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क्स. इस प्रकार वैक्सीन कार्य करती है. सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाई वैक्सीनेशन. इन योर चाइल्डहुड यानी बचपन में यू मे मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू द प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेज. कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिजीज. यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स. इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज. नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन नियर बाई हॉस्पिटल. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. दो बूंद जिंदगी की सुनी होगी आपने. तो अगला बेनिफिट क्या है? सोइल फर्टिलिटी यानी कि मृदा उर्वरता बढ़ाना. सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सोइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी. जैसे लेग्यूमिनस लेग्यूम सीड्स लेग्यूम्स प्लांट्स की रूट्स में कुछ बेनिफिशियर बैक्टीरिया रहते हैं जिनको बोलते हैं राइजोबियम. क्या बोलते हैं जिनको? राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में रहकर उन्हें सोइल या मिट्टी से नाइट्रोजन देते हैं. बदले में वो प्लांट उन्हें रहने की जगह देते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स टू क्लीनिंग द एनवायरनमेंट यानी कि वो पर्यावरण को शुद्ध रखने में भी लाभकारी है. दे डीकम्पोज वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स यानी कि वो पेड़ पौधे एवं जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों का अपमार्जन भी करते हैं यानी उनको साफ सफाई करने का काम भी करते हैं. तो आज हमने क्या पढ़ा? एक बार वापस रिकॉल करते हैं. हमने पढ़ा आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फ्री यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. थैंक यू. अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछें.